हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में देखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि पाथ क्या होता है, पाथ इक्वेशन कैसे लिखते हैं, पाथ और ट्रेजेक्ट्री क्या होता है और उस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि जब भी क्या होगा, कोई पार्टिकल, बेसिकली आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहां भी पाथ बताया जाता है, ठीक है। तो पाथ क्या होता है, जब कोई भी पार्टिकल किसी डेफिनेट कंडीशन के अंडर मूव करता है, ठीक है, तो उसका जो लोकस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं और क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं और क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। तो हमने क्या लिखा, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अंडर सम कंडीशन और कंडीशंस देन इट्स लोकस इज कॉल्ड पाथ और ट्रेजेक्ट्री। द पाथ और ट्रेजेक्ट्री में भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और क्या होगा, हाइपरबोला, डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, सिचुएशन। क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। सर्कल क्या का इक्वेशन भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, सर्कुलर पाथ पे भी मूव कर सकता है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग भी मूव कर सकता है, इलिप्स, इलिप्टिकल पाथ पे भी मूव कर सकता है और क्या होगा, पैराबोलिक पाथ पे भी मूव करेगा। अब याद रखना है कि यहाँ की जब भी क्या होगा, जिसे मैंने हमने मान लिया कि यहाँ इफ द पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, यदि एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पाथ, उसका जो पाथ इक्वेशन होगा और ट्रेजेक्ट्री जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के टर्म में होगा। यदि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, टाइम के टर्म में दिया हुआ है, तो अपना सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि इक्वेशन को यूज करके टाइम क्या करना, टाइम को क्या करना, एलिमिनेट करना। ट्रेजेक्ट्री और पाथ इक्वेशन विल बी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन विच द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्या होगा, पॉइंट एट एनी टाइम टी। तो आपको एट एनी टाइम टी क्या दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड पाथ इक्वेशन। तो पाथ इक्वेशन ऑलवेज याद रखना है कि पाथ इक्वेशन क्या होता है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के टर्म में होगा। कब, जब पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव करता होगा तब, ठीक है। यदि वाई जेड प्लेन में मूव करे तो वाई और जेड के टर्म में होगा, एक्स जेड प्लेन में मूव करेगा तो एक्स एंड जी के टर्म में। पाथ इक्वेशन में कभी टाइम नहीं हो सकता है। और मैंने ये बताया था कि अब स्ट्रेट लाइन, आप पाथ इक्वेशन लिखो, यदि वो स्ट्रेट लाइन के y equal to mx plus c के फॉर्म में आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि पाथ इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री और पाथ क्या है, सर्कल है, सॉरी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। यदि x square plus y square is equal to r square के फॉर्म में आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। यदि क्या होगा, x square upon a square plus y square upon b square के फॉर्म में आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इलिप्स बोलेंगे। पैराबोला भी मैंने बताया और हाइपरबोला भी बताया, ठीक है। तो सबसे पहले पाथ इक्वेशन लिखने, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ इक्वेशन भी आएगा, इसलिए पहले हम पाथ इक्वेशन समझ लें कि पाथ इक्वेशन कैसे लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो क्या है, इसमें एक एग्जांपल देखो कि ए पार्टिकल, सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग इन, क्या होगा, इन एक्स वाई प्लेन एंड एट एनी टाइम टी कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स पोजिशन, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऐसे लिख लेते हैं, एट एनी टाइम टी एक्स कोऑर्डिनेट एंड एट एनी टाइम टी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स पोजिशन इज गिवन एच। अब देखो यहां ई में क्या दिया हुआ है, ई में x is equal to at square and y is equal to क्या होगा, 2at। b में दिया हुआ है, देखो b में दिया हुआ है x equal to a sin omega t
और y इज इक्वल टू क्या है, b cos cos ओमेगा t, ठीक है। c में दिया हुआ है, c में देखो, c में क्या दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, सॉरी x इज इक्वल टू a, ठीक है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, ठीक है। d में दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू a tan ओमेगा t एंड y इज इक्वल टू b, क्या है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू b sec ओमेगा t, ठीक है। देन क्या करना है अपने को, देन फाइंड द पाथ इक्वेशन, क्या दिया हुआ है, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और पाथ इन ईच केस ए कॉमा बी कॉमा सी एंड क्या है, एंड डी, हर केस में आपको क्या करना है, पाथ इक्वेशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्या है पाथ इक्वेशन जनरली क्या होगा, ये आपको ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन तुमको सर्कल का याद होना चाहिए, तभी तुम, अब यहां क्या करोगे आप, एक्स वाई के टर्म में इक्वेशन लिखो, अब देखो क्या है, ए में क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए टी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू क्या है, टू ए टी। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड, मैंने क्या बताया कि पाथ इक्वेशन अलवेज किसके टर्म में होगा, x एंड y के, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, टाइम को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। पाथ इक्वेशन अलवेज बी इन टर्म्स ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट, आई मीन पाथ इक्वेशन में टाइम कहीं नहीं होगा, तो जब भी टाइम के टर्म में इक्वेशन दिया हुआ होगा तो आप टाइम को क्या करो, एलिमिनेट करो दोनों इक्वेशन, तो अब लिख सकते हैं फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, एंड सेकेंड, क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लिख सकते हैं, देखो x इज इक्वल टू a इन टू, ठीक है, वैल्यू यहां से क्या रखोगे, y अपॉन टू a द होल स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन फोर a, और यहां लिख सकते हो देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। इस केस में देखो क्या है, ये क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या होगा, हाइपरबोला, क्या होगा दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या होगा, हाइपर, अरे इसी फॉर्म में होता है ना, आइदर क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स होगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, फोर ए वाई होगा, तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज क्या होगा, हेंस क्या होगा, हेंस क्या होगा, हेंस ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी क्या होगा पैराबोला, ठीक है। अब इधर देखो, मैं नोट में लिख देता हूं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला याद रखना है, क्या होगा, यहां से फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या होगा, पैराबोला, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4ax, और क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4ay, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या है, पैराबोला। यदि इस फॉर्म में आ रहा है तो हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे कि जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा, ठीक है, समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी बेसिक्स मैथ में मैंने बताया है, पाथ इक्वेशन और उसका कि इक्वेशन किसका होगा, ठीक है। दूसरा बी में देखो, बी में क्या दिया हुआ है, बी में हमने क्या माना था, हाँ मैं बता रहा हूं, बी में हमने माना है क्या कि x इक्वल टू a साइन ओमेगा t एंड y इज इक्वल टू क्या है,
बी कॉस ओमेगा टी। अब देखो यहां से लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी और वाई अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि यहां से अब आसानी से क्या होगा, देखो दोनों को स्क्वायर करके क्या करो, एड कर दो, क्या करो एड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और क्या हो जाएगा, बन हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन किसका है, इलिप्स का है, किसका इक्वेशन है, इलिप्स का है। तो यहां से आप देख सकते हो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो ध्यान से, हेंस क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, दिस इज क्या होगा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या होगा एलिप्स। हेंस क्या होगा, हेंस हम बोल सकते हैं हेंस पाथ और क्या होगा ट्रेजेक्ट्री विल बी क्या होगा, विल बी क्या होगा, विल बी क्या हो जाएगा एलिप्स, विल बी इलिप्टिकल और एलिप्स, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसे पैराबोला क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, ये होगा, ये मुझे याद रखना चाहिए, यहाँ ये होगा तो ये याद रखना चाहिए कि यहाँ इस फॉर्म में आएगा तो हम डायरेक्ट बोल देंगे क्या है एलिप्स है। ये जब तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स में पढ़ोगे तो ये बहुत एक केवल एलिप्स का इक्वेशन 10 क्लास 5 क्लास पढ़ोगे, तुम इसका इक्वेशन 5 क्लास पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक वहां तुमको सारी चीजें ये वहां मैथ्स के साथ तुमको बताएंगे कि ये आता कैसे है, ठीक है। तीसरा जो इक्वेशन है वो मैं बता रहा हूं, अब देखो तीसरा जो केस है वो क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, देखो c में देखो x इज इक्वल टू a साइन क्या है ओमेगा t एंड y इज इक्वल टू क्या दिया है, y इज इक्वल टू इसके इसको इक्वेशन वन मान लो, ये क्या हुआ y इज इक्वल टू b cos ओमेगा t, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो। अब स्क्वायर करके ऐड करो, देखो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी ये है इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है सर्कल का, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन अब क्या होगा सर्कल। तो इस केस में पाथ क्या हो जाएगा, आई मीन किस पाथ पे पार्टिकल मूव करेगा, तो सर्कुलर पाथ पे, हेंस क्या होगा हेंस सी में क्या होगा हेंस हेंस पाथ विल बी क्या होगा विल बी सर्कुलर, ठीक है। क्या होगा पाथ विल बी क्या होगा सर्कुलर। यदि मैं डी की बात करूं तो डी में देखो क्या दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए टैन ओमेगा टी या कुछ भी दिया हुआ हो, ठीक है। तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होगा टैन ओमेगा टी, उसी तरह क्या दिया वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है वाई अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होगा सेक ओमेगा टी। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन होता है, क्या होता है तो हम लिख देंगे y स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा y स्क्वायर। अब देखो यहां क्या लिखेंगे sec स्क्वायर ओमेगा t माइनस tan स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अरे वन होता है ना यार, तो यहां से वैल्यू रख दो तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया वन। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हाइपरबोला क्या है, जनरली हाइपरबोला तुमको कम मिलेगा, एलिप्स मिलेगा, सर्कल मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा और पैराबोला, पैराबोला प्रोजेक्टाइल मोशन में पैराबोला ही मिलेगा तुमको, ठीक है। एलिप्स जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहां तुमको मिलेगा एलिप्स, ठीक है। जब हम SHM पढ़ेंगे तो वहां इस चीजें आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहां क्या होगा हाइपरबोला, हाइपरबोला हेंस क्या होगा हेंस Hence path will be क्या होगा will be hyperbola।
और आपको मालूम है कि y is equal to mx plus c के टर्म में दिया हुआ हो तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो जब भी कोई आपसे पूछे कि पाथ इक्वेशन बताओ, तो पाथ इक्वेशन में हमेशा क्या करना, टाइम को क्या करना है, दो इक्वेशन जो गिवन रिलेशन दिया हुआ होगा उसको यूज करके टाइम को क्या करना है, आपको एलिमिनेट कर देना है। जैसे ही टाइम एलिमिनेट हो जाएगा तो पाथ इक्वेशन आसानी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा एक्स वाई के टर्म में। अब एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन मालूम होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, प्रोजेक्टाइल। अब आप आसानी से समझते हो, देखो यहां क्या होगा, प्रोजेक्टाइल क्या होगा, जब किसी भी पार्टिकल को, व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द एक्स वाई प्लेन एट सम एंगल विथ होरिजेंटल, देन दैट पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो यहां हम प्रोजेक्टाइल मोशन को दो पार्ट्स में सोचेंगे। ये क्या होगा कि जब एयर रेसिस्टेंस को हम क्या कंसीडर करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, आई मीन जीरो कंसीडर करेंगे, आई मीन फोर्स ऑफर बाय द क्या होगा, एयर इज निग्लिजिबल। बाद में हम देखेंगे कि उसके बाद क्या होगा यदि ऐसा हुआ तो। सेकंड चीज क्या है कि हम मानते हैं कि अर्थ सरफेस जो है वो क्या है, फ्लैट है। ठीक है, आई मीन क्या होगा, द वैल्यू ऑफ जी इज सपोज टू बी कॉन्स्टेंट एंड दैट वैल्यू इज विल बी इक्वल टू क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड, और क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में मैंने बताया था आपको। तो क्या है, ये आपको समझ में आया कि जब क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, वो अपने मास की वजह से क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, स्पेस में, क्या होगा, प्लेन में, तो उसी को मोशन को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है यहां, तो व्हेन क्या होगा, व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में कई तरह का होगा, कई टाइप्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द एक्स वाई प्लेन, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल पहले लिख लेते हैं ना, प्रोजेक्टाइल व्हेन क्या है, व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द एक्स वाई प्लेन एट सम एंगल क्या होगा, व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द एक्स वाई प्लेन एट सम एंगल विथ होरिजेंटल, विथ होरिजेंटल, देन पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, समझ में आया ना, प्रोजेक्टाइल मूव क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मूव इन द एक्स वाई प्लेन ड्यू टू इट्स ओन इनर्शिया, अपने मास के वजह से क्या होगा, वो मूव करता है, क्या करता है, मास के वजह से क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मूव इन द क्या होगा, इन द एक्स वाई प्लेन ड्यू टू इट्स ओन इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब क्या होगा, मास। ठीक है, दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन, द मोशन क्या होगा, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल
ठीक है, क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो यहां ये चीज तुमको क्या है ध्यान देना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या क्या मानते हैं कि जी क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब हम अभी इसमें कई टाइप्स हैं, तो पहला जो टाइप हम पढ़ेंगे क्या होगा? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो इसमें टाइप जो वन होगा, सभी टाइप बता दूंगा, और केवल नोटबुक पढ़ना है, दूसरा कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल न्यूमेरिकल करना है और नोटबुक देखना है। टाइप वन में क्या है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां हमेशा याद रखना है कि अभी हम क्या मान रहे हैं कि ईयर रेसिस्टेंस क्या है? क्या है? नेग्लिजिबल है। अब देखो क्या है, यही क्या है? एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, आई मीन दिस इज एक्स वाई प्लेन। जी जो है वो क्या है? अलवेज जी का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है? जी अलवेज किधर लगता है? जी अलवेज किधर लगेगा? वर्टिकल लगेगा, ठीक है, ये आपको मालूम है। अब क्या होगा कि जब यहां से किसी भी, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, यहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करोगे? वी नॉट वेलोसिटी से फेंकोगे। क्या? किस वेलोसिटी से? वी थीटा के साथ, क्या है? सॉरी, हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा एंगल पे। तो इस वेलोसिटी के क्या होंगे? दो कंपोनेंट होंगे। क्या होंगे? दो कंपोनेंट होंगे। देखो ध्यान से, एक क्या होगा? इधर जो होगा वो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये क्या हो जाएगा? वी नॉट कॉस थीटा। और एक जो होगा वो क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, वी नॉट साइन। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। देखो इस कंपोनेंट के वजह से क्या होगा? पार्टिकल क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। और इस कंपोनेंट के वजह से क्या होगा? प्रोजेक्टाइल जो होगा वो क्या होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका जो पाथ होता है, बाद में अभी मैं प्रूव भी करूंगा कि ये जो पाथ होगा वो क्या होगा, कुछ ऐसे होता है। क्या होता है ये पाथ जो होगा वो क्या होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। क्या होगा? दिस इज नथिंग बट द क्या होगा? पैराबोला, बोला, ठीक है। तो ये क्या होगा? पैराबोला होगा। अब देखो ये क्या है? पॉइंट ऑफ, दिस इज कॉल्ड पॉइंट, पॉइंट ऑफ क्या होगा? प्रोजेक्शन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्या होगा? इसको ए मानो, दिस इज कॉल्ड हिटिंग पॉइंट। हिटिंग पॉइंट आई मीन, जब आप क्या होगा यहां से फेंकोगे तो क्या होगा? ऐसे ऐसे जाएगा, फिर क्या करेगा? यहां स्ट्राइक कर देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्या होगा? मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द क्या होगा? पाथ। दिस इज क्या होगा? हाईएस्ट, हाईएस्ट पॉइंट, पॉइंट ऑफ पाथ, ठीक है। ये बात समझ में आई? जी हमेशा किधर लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है। ये जो डिस्टेंस होता है, देखो क्या होगा, आई मीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हीटिंग पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, और आर लिखेंगे इसको, आर, ठीक है। क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। और दिस इज कॉल्ड क्या होगा, आई मीन क्या होगा? दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। क्या बोलेंगे हम इसको? एच बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। क्या होगा? मैक्सिमम हाइट होगा। अब देखो यहां और भी कुछ हम पॉइंट लिख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम जितने जितने टाइप्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, सारे टाइप के, उसके बाद तुम कोई भी बुक देखना, बी एम शर्मा देखो, एच सी वर्मा देखो, अरिहंत देखो, कोई भी बुक देखोगे तो आसानी से क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक बुक पहले थॉरोली सॉल्व करो, और फिर दूसरा बुक जब सॉल्व करोगे तो उसमें 70-80% आपको लगेगा कि अरे ये प्रॉब्लम देखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो वी नॉट को हम क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा को हम क्या बोलते हैं? थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वी नॉट को हम क्या बोलेंगे? वी नॉट इज कॉल्ड क्या है? वेलोसिटी,
वेलोसिटी ऑफ क्या होगा? प्रोजेक्शन। ठीक है, अब देखो यहां क्या होगा, वी नट, वी नट को हम वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, वी नट इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, वी नट साइन थीटा क्या हो जाएगा, जे कैप। ये ध्यान देना है तुमको, ठीक है। ये क्या हुआ, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने, वेलोसिटी अब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये क्या हुआ, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज क्या हुआ, एक्स कंपोनेंट ऑफ वी नट, दिस इज क्या होगा, वाई कंपोनेंट ऑफ क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वी नट। कभी कभी क्या है, ये वी नट जो होगा वो कंपोनेंट के फॉर्म में दिया रहेगा। अब देखो क्या है कि वेन द क्या होगा, पार्टिकल, देखो ध्यान से, ये क्या होगा, इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा। अब आप मुझे ये बता सकते होगे, देखो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या नहीं, बता सकते हो आप। कि देखो क्या होगा कि व्हेन एवर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा क्या होगा विथ हॉरिजॉन्टल, देन क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विल हैव क्या होगा, टू कंपोनेंट, वन अलोंग क्या होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड वी नट कॉस थीटा, और वन अलोंग क्या होगा वर्टिकल डायरेक्शन वी नट साइन थीटा। ड्यू टू दिस कंपोनेंट वी नट कॉस थीटा क्या होगा, पार्टिकल विल मूव अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। व्हाइल ड्यू टू क्या होगा वी नट साइन थीटा, पार्टिकल विल मूव अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन विथ क्या होगा, विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, क्या होगा कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। तो बेसिकली क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ मोशन, वन इज कॉल्ड क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड अदर इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग द क्या होगा वर्टिकल डायरेक्शन, एंड बोथ मोशन आर इंडिपेंडेंट विद द क्या होगा ईच अदर, आई मीन एक जो होगा वो दूसरे को क्या करेगा इंटरफेयर नहीं करेगा। ये बात समझ में। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि वी नट कॉस थीटा कॉन्स्टेंट ही क्यों होगा, क्या होगा वी नट कॉस थीटा क्या होगा कॉन्स्टेंट क्यों होगा, ये आप लोग मुझे बता सकते हो। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या, तुमको ये मालूम है, तुम लोग 9th 8th में पढ़े हो या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़े हो, तो न्यूटन ने क्या बताया था कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो प्रीवियस स्टेट को क्या करना चाहता है, मेंटेन रखना चाहता है, जब तक कि उसको कंपेल नहीं किया जाए कि तुम अपने स्टेट को चेंज। कंपेल करने का मतलब क्या हुआ कि जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। अब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है यार, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या उसके वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। आप प्रूव कर सकते हो, देखो ay क्या है माइनस जी है, ax क्या है जीरो है, क्या होगा ax क्या होगा जीरो होगा, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा ऑलवेज क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा थ्रू आउट द क्या होगा इंटायर मोशन, क्या होगा थ्रू आउट द क्या होगा इंटायर मोशन, जो होगा क्या होगा कंपोनेंट क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। और ये क्या होगा क्योंकि mg sin थीटा क्या है नीचे लग रहा है, तो v नट sin थीटा क्या होगा डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा और क्या होगा जीरो हो जाएगा, वहां पार्टिकल जो होगा मोमेंटरली रेस्ट में आ जाएगा और फिर क्या होगा उसके बाद नीचे फॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा, ये बात समझ में आई कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ मोशन, क्या होगा ये बात समझ में आई। फिर मैं प्रूफ भी कर देता हूं, ये तुम टेंशन मत लो, क्या होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ मोशन विच आर इंडिपेंडेंट विथ ईच अदर, क्या होगा प्रोजेक्टाइल मोशन इज क्या होगा इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ मोशन, है ना, क्या होगा वन अलोंग क्या होगा, क्या होगा वन अलोंग, है ना टू टाइप ऑफ मोशन, क्या होगा टू टाइप ऑफ मोशन, वन अलोंग क्या होगा आई मीन टू टाइप ऑफ मोशन,
मोशन अलोंग क्या होगा, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज क्या होगा, क्या होगा, टू टाइप ऑफ मोशन, नहीं ये मत लिखो है ना, टू टाइप ऑफ मोशन क्या लिखें, प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ मोशन, वन विथ क्या होगा, वन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन अलोंग क्या होगा, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हाइल व्हाइल अनदर इज यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, बोथ मोशन आर इंडिपेंडेंट विथ ईच अदर, क्या होगा, बोथ मोशन, बोथ मोशन आर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट विथ क्या होगा, विथ ईच अदर। तुमको क्या करना है, ध्यान देना, अब ये आपको प्रूव करना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये बात समझ में आया कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ मोशन, वन अलोंग क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अनदर इज क्या होगा, वन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद वन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हाइल Another is uniformly accelerated motion along the क्या होगा, vertical direction. Both motion are independent with each other. ठीक है, अब देखो क्या है, अब यहां मैं बोलूं, देखो तो कोई horizontal direction में force लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना यार, क्या है, कोई force नहीं लग रहा है। देखो ध्यान से कि हम बोले यदि acceleration की बात करो, कोई object है उस पर force लगेगा यार, क्या लगेगा, देखो तो force is equal to, I mean मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि A is equal to क्या है, A is equal to minus G Jacob है, यही है ना यार, acceleration क्या है, acceleration on the क्या होगा particle, acceleration of क्या होगा, acceleration of particle। अब यहाँ ये बता सकते हो A y component है यार, इसका मतलब क्या है, x क्या है, zero है, अरे x जीरो है ना, x जीरो होगा तो हम बोल सकते हैं डी वी एक्स अपॉन डी टी विल बी ऑल्सो जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, वी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, कॉन्स्टेंट हो गया ना यार, हेंस क्या होगा, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, x कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, प्रोजेक्टाइल। तो थ्रू आउट द मोशन क्या होगा, हेंस क्या होगा, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स कंपोनेंट आई मीन वी नॉट कॉस थीटा क्या होगा, हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। यहां भी मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा हो जाएगा, कहीं भी यहां भी पूछा जाए तो ए वाला जो कॉम्पोनेंट होगा वो क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा होगा, यहां भी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा हो जाएगा, यहां भी पूछा जाए ते क्या हो जाएगा, v नट cos थीटा हो जाएगा, यहां भी पूछा जाए तो v नट cos थीटा हो जाएगा। I mean at each and every point of the path velocity of the projectile along the horizontal direction will be always क्या होगा, remain constant। समझ में आया ना, ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर हम आते हैं अभी क्या क्या कैलकुलेट करना है वो देखेंगे, पॉइंट वाइज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां लिखना है hence क्या होगा, hence at each end each and every क्या होगा, each and every point of the क्या होगा, of the path horizontal component
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब क्या है? एक्स कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन कॉन्स्टेंट एंड इट विल बी क्या होगा? विल बी इक्वल टू क्या होगा? वी एक्स। ठीक है, वी क्या है? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू क्या होगा? वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, ये ध्यान देना है हर जगह क्या होगा। तो यहां कोई पूछे प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान दे। कोई पूछे क्यों होगा? क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका वेलोसिटी अलवेज क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। हमने ये माना है कि एयर रेसिस्टेंस के द्वारा जो फोर्स है वो क्या है? नेग्लिजिबल है। बाद में हम देखेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी, और दिस इज नथिंग बट द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये बात समझ में आई? तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम कितना लगेगा। क्या होगा? मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा, इसको पॉइंट कॉम क्या, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम क्या होगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। और फिर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ से ग्राउंड पे स्ट्राइक करने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। और मैंने ये बताया था कि टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, क्या होता है? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि कैलकुलेशन अब क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो मेथड से, क्या है? दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? तो उसके लिए देखो, कैलकुलेशन ऑफ क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम क्या लिखेंगे? TF। ठीक है, क्या है? TF। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, देखो मैं यहां लिख देता हूं कि TF इज इक्वल टू क्या है? टाइम टेकन टू गो फ्रॉम O टू B प्लस क्या होगा? T, टाइम टेकन फ्रॉम B टू क्या होगा? A। दिस इज कॉल्ड क्या होगा? टाइम ऑफ क्या होगा? एसेंट। और दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा? टी ए प्लस क्या हो जाएगा, टी ए प्लस टी डी। ठीक है, क्या होगा? टी ए प्लस टी डी, यहां से यहां जाने में जो टाइम लगेगा और फिर यहां से यहां आने में जो टाइम लगेगा। अब क्या है, जब भी आपको क्या करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो मोशन अलोंग क्या है? वाई डायरेक्शन में कंसीडर करना है। तो अब हम क्या कंसीडर करेंगे? कंसीडर क्या होगा? कंसीडर मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग क्या होगा? वाई एक्सिस। ठीक है, और वाई एक्सिस की अलोंग देखो क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस के अलोंग में क्या दिया हुआ है? देखो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, देखो इसको हम क्या मानेंगे? वी नॉट वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? वी नॉट साइन थीटा। ये समझ में आया ना, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन।
ए वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, माइनस जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, है ना, ठीक है। अब देखो टाइम ऑफ एसेंट के लिए क्या होगा, ठीक है, अब देखो ये दिया हुआ है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अब आपने वो क्या कैलकुलेट करना है, देखो टी ए कैलकुलेट करना है। अब टी ए के लिए देखो क्या हुआ, यहां y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना यार, vy इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना, ठीक है, vy जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। अरे जब आप फेंकते हो देखो इसके वजह से क्या होगा, वो अप जाएगा, और इस कंपोनेंट के वजह से क्या होगा, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। तो ये क्या होगा, क्योंकि mg नीचे लग रहा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और जैसे ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, पार्टिकल जो होगा वाई डायरेक्शन में मूव करना बंद कर देगा, ठीक है। तो फॉर क्या होगा, मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या करेंगे, वाई कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट की कोरेस्पोंडेंस भी क्या होगा, वी वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी वाई जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहां हम क्या करेंगे, देखो कौन सा इक्वेशन मुझे टाइम निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, ये दिया है, तो कौन सा हम इक्वेशन यूज करें, कौन सा इक्वेशन यूज करें बता सकते हो, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट काइनेमेटिक्स इक्वेशन। तो क्या है देखो, तो वी वाई इज इक्वल टू वी नट वाई प्लस ए टी, ठीक है, ये वी नट वाई जीरो हो जाएगा, ये क्या होगा, वी नट साइन थीटा, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, जी इंटू क्या हो जाएगा, टी ए हो जाएगा। तो टी ए इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, जी, ठीक है, क्या हो जाएगा, वी नट साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, जी, और इसको हम लिख सकते हैं वी नट वाई अपॉन क्या होगा, जी। तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट, क्या हो गया, टाइम ऑफ एसेंट हो गया। अब देखो ये तुमको सब चीजें ठीक है, अब देखो टाइम ऑफ एसेंट अपने को मालूम चल गया, तो बाई सेमेट्री जब क्या होगा, बाई सेमेट्री हम बोल सकते हैं, क्या होगा, बाई सेमेट्री, ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या होता है, बाई सेमेट्री हम बोल सकते हैं, बाई सेमेट्री, बाई सेमेट्री क्या होगा, बाई सेमेट्री का मतलब क्या हुआ कि एयर रेसिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। बाई सेमेट्री क्या होगा, टी ए इज इक्वल टू क्या होता है, टी डी होता है, क्या होगा, टी ए इज इक्वल टू क्या होगा, टी डी होगा, क्या हो जाएगा, टी ए इज इक्वल टू डी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो टू टी ए इज इक्वल टू टू टी डी, और यहां लिख सकते हैं टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, टू वी नट साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू टू वी नट वाई अपॉन क्या हो जाएगा, जी, ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दिस इज नथिंग बट द क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, दिस इज क्या है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ क्या है, प्रोजेक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये तुमको क्या करना है, याद रखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। दूसरा मेथड क्या है, तो हमने ये क्या देखा था, चलो हम m1 हमने क्या लिखा, ये मेथड हमने क्या माना, फर्स्ट ठीक है, दूसरा मेथड देखो, देखो तो गिवन द पार्टिकल हिट द ग्राउंड तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई डायरेक्शन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अरे जीरो हो जाएगा क्या, देखो सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, तो क्या होगा कि व्हेन आफ्टर प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल हिट द ग्राउंड क्या होगा, यहां देखो मेथड टू में मैं बता रहा हूं एम टू कि आफ्टर व्हेन द पार्टिकल इज क्या होगा, आफ्टर क्या होगा, आफ्टर प्रोजेक्शन
क्या हो या वेन ऐसे लिखेंगे वेन क्या होगा वेन पार्टिकल क्या होगा पार्टिकल हीट द ग्राउंड देन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा वाई डायरेक्शन विल बी क्या होगा विल बी जीरो ये बात समझ में आई अब देखो क्या होगा अरे यहां तुमको मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूं देखो यही क्या है वाई एक्सिस ये एक्सिस है यहां से तुमने फेंका तो ये आएगा यार ऐसे ही हीट करेगा ना देखो यहां से हमने क्या किया फेंका वी नेट वेलोसिटी से ये थीटा एंगल पे तो जब यहां से फेंके और फिर यहां आ गया तो वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो हो जाएगा ना यार और टाइम कितना लगेगा डी लगेगा अब यहां क्या करेंगे वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिख करके क्या करो जीरो कर दो तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन क्या होगा अब देखो ये बात समझ में आई तो नाउ क्या होगा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग क्या होगा अलोंग वाई डायरेक्शन अब देखो कैसे वाई डायरेक्शन तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा देखो वाई इज इक्वल टू क्या होगा वी नट y t प्लस हाफ ई वाई टी स्क्वायर ही होगा ना अब देखो y इज इक्वल टू क्या होगा v नट y क्या है v नट y रहने दो t माइनस हाफ g t स्क्वायर ठीक है और क्या होगा when heat the क्या होगा at t इज इक्वल टू क्या होगा tf y क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या होगा जीरो हो जाएगा तो यहां से जीरो रख दो तो जीरो इज इक्वल टू क्या होगा वी नट y टी एफ माइनस वन बाई टू जी टी एफ स्क्वायर ठीक है ये टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है फॉर्मूला ठीक है तब देखो ये क्या हो जाएगा यहां से देखोगे इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा टू वी नट y अपॉन क्या हो जाएगा g और क्या हो जाएगा 2 v नट साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा g हो जाएगा ठीक है तो इससे भी क्या हो जाएगा ये मेथड मैंने वहां भी बताया था तो हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं क्या है इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं दूसरा इसमें तुमसे ये पूछा जाए कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट ये टाइम याद रखना है ना क्या होगा ये टाइम याद रखना अब हम बढ़ते हैं क्या कि कैलकुलेशन अब क्या होगा मैक्सिमम हाइट अगला पॉइंट क्या है कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट एच ठीक है अगेन क्या होगा तो मोशन हम क्या करेंगे जब भी मैक्सिमम हाइट निकालना होगा तब हम क्या कंसीडर 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 मोशन मोशन अलोंग क्या होगा अलोंग वाई डायरेक्शन ठीक है अब मैक्सिमम हाइट के कोरस्पोंडेंस क्या हो जाएगा देखो अब पहले इनिशियल वेलोसिटी देखो वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा वी नट साइन थीटा ए इज इक्वल टू क्या होगा माइनस जी ठीक है देखो वी नट वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा जीरो और वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच कौन सा इक्वेशन यूज करें बता सकते हो अरे सेकंड काइनेमेटिक्स थर्ड काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करें देखो ध्यान से क्या होगा वी स्क्वायर वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा वी नट वाई स्क्वायर प्लस टू ए एस अब ये जीरो रखो दिस इज वी नट वाई स्क्वायर माइनस टू जी क्या हो जाएगा एच तो यहां से एच इज इक्वल टू क्या होगा वी नट वाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा टू जी ये तुमको क्या मिल गया H मिल गया क्या हो गया H मालूम चल गया अब देखो तो यहां से हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू क्या मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल क्या होगा अलोंग Y डायरेक्शन तो Y डायरेक्शन मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा H के इक्वल ही जाएगा ना यार मैक्सिमम हाइट तब तक जाते रहेगा जब तक कि उसका फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या हो जाए जीरो नहीं हो जाए तो इसलिए हमने क्या है यहां डेफिनेशन नहीं लिखा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल अलोंग द क्या होगा वाई डायरेक्शन इज कॉल्ड
क्या होगा along, sorry, is called क्या होगा maximum height. तो maximum height is equal to क्या मिला v nut y square upon क्या होगा 2g equal to v nut sin theta the whole square upon क्या हो जाएगा 2g. ठीक है, क्या हो जाएगा 2g हो जाएगा. ठीक है, ये क्या होगा देखो ध्यान से, मैक्सिमम हाइट ठीक है, दिस इज क्या है ए जी हो गया x, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, और दिस इज क्या होगा याद रखना है y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. नितिन कितना टाइम हुआ? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. ये आपको क्या करना है, देखो टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला याद रखना है, 2 v नट sin थीटा अपॉन g, h इज इक्वल टू क्या होगा. ठीक है, बात समझ में आई, तो h इज इक्वल टू क्या होगा v नट स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद रखना है. अब आपसे पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, क्या होगा हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अब देखो सभी पॉइंट मैं लिख देता हूं. तो अब है कि हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं आर से. तो डिस्टेंस मोड बाय द क्या होगा, या डिस्टेंस देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल along क्या होगा along horizontal direction during its entire motion, या distance traveled by projectile along horizontal direction in time of क्या होगा in time tf is called क्या होगा is called horizontal और इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं r से. तो r is equal to क्या होगा r is equal to क्या हो जाएगा, देखो horizontal direction में constant velocity से move कर रहा है यार, और किस वाले देखो तो v nut x ठीक है into क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है देखो यहां से v नट x कितना है v नट cos थीटा इनटू 2 v नट sin क्या हुआ थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया जी यही होगा ना. इसको थोड़ा सा और भी लिख सकते हो, क्या होगा v नट sin ठीक है v नट sin 2 थीटा v नट स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा जी हो जाएगा. तो दिस इज नथिंग बट द रेंज, क्या होगा दिस इज नथिंग बट द रेंज. तो देखो r is equal to क्या होगा v नट x into tf is equal to v नट square sin of 2 theta by क्या हो जाएगा जी, ये ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब देखो ये क्या है x कंपोनेंट, दोनों टर्म में लिख देता हूं x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, दिस इज क्या है टाइम ऑफ क्या हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, और यहां और तो तुमको मालूम है दिस इज नथिंग बट द क्या है,
ये क्या है, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तुम बता सकते हो कि मैक्सिमम रेंज के लिए क्या कंडीशन होगा, व्हाट शुड बी द कंडीशन सो दैट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी क्या होगा मैक्सिमम। देखो अब क्या होगा कि मैक्सिमम रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो साइन देखो तो ये आर मैक्सिमम कब होगा, जब साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। आई मीन थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा बता सकते हो, थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री, क्या होगा 45 डिग्री। तो ये पूछा जाता है क्या है कंडीशन फॉर, यहां लिख देता हूं नोट में जितना पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि नोट में क्या होगा, कंडीशन कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, कि इस पे आईआईटी में आया हुआ भी क्वेश्चन है एक मैं बताऊंगा। तो देखो क्या होना चाहिए, आर क्या होगा, आर विल बी क्या होगा मैक्सिमम, क्या होगा आर, देखो यहां से आर विल बी क्या होगा, विल बी मैक्स इफ क्या होगा साइन टू थीटा इल विल बी वन टू वन और थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा पाई बाई टू, थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाई टू, तो थीटा विल बी क्या होगा पाई बाई फोर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 45 डिग्री। आई मीन यदि 45 डिग्री पे आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करोगे तो उसका जो रेंज होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्या होगा रेंज मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो व्हेन क्या होगा, व्हेन क्या होगा, व्हेन प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 45 एट एन एंगल एट 45 डिग्री विथ क्या होगा विथ हॉरिजॉन्टल, देन इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज रेंज विल बी क्या होगा विल बी मैक्सिमम, क्या होगा देन इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा मैक्सिमम होगा। और आर मैक्स कितना होगा ये देन, और आर मैक्स कितना हो जाएगा देखो, ठीक है आर मैक्स कितना होगा वी नट स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, यही होगा ना यार, ये याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे स्पीड ऑफ क्या होगा प्रोजेक्शन, नॉट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। क्या है अब मैक्सिमम रेंज के कोरेस्पोंडेंस एच कितना होगा, एच मैक्स कितना होगा इसके कोरेस्पोंडेंस, आई मीन देखो तो मैक्सिमम इसके कोरेस्पोंडेंस आपसे पूछा जा सकता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, क्या है और क्या कैलकुलेट करना है इसके कोरेस्पोंडेंस टाइम ऑफ फ्लाइट, आई मीन मैक्सिमम हाइट कोरेस्पोंडिंग टू क्या होगा मैक्सिमम हाइट कोरेस्पोंडिंग टू आर मैक्स, मैक्सिमम हाइट h is equal to क्या होगा देखो v नट स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा 2g, यही है ना यार, इसके कोरेस्पोंडेंस मैं लिख रहा हूं, किसके कोरेस्पोंडेंस मैक्सिमम रेंज के कोरेस्पोंडेंस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, कितना हो जाएगा v नट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4g, और टाइम ऑफ फ्लाइट कोई पूछे तो कितना होगा मैक्सिमम रेंज के कोरेस्पोंडेंस टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा 2 वी नट साइन ऑफ 45 अपॉन क्या हो जाएगा जी, तो ये कितना हो जाएगा रूट 2 वी नट अपॉन क्या हो जाएगा जी, ठीक है क्या हो जाएगा रूट 2 वी नट अपॉन क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। आज के क्लास में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड आगे कॉन्सेप्ट
देखेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जितना मैं पॉइंट्स बताता हूँ, देखो ब्रैकेट में जब मैं लिख देता हूँ उसको तुमको मानना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मुझे ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे ही ये तुमको माइंड में ये तुम ध्यान में रखोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।